हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो बीएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने चैनल पर न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अगर इग्नू स्टूडेंट्स की बात करूँ तो सब्जेक्ट कोड है आपका BES 127 एंड सब्जेक्ट का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यूनिट 4 तक मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी है, अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्लू कलर का जो होता है वो आपका लिंक होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी वीडियोस आ जाएगी, जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं वो सब, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पार्ट देखना चाहो देख सकते हो। यूनिट 5 आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। सबसे पहले आपको बताऊंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाली यूनिट से, और फिर उसके बाद हम वो टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस खुद मिल जाए। दूसरी चीज़, एक थोड़ी सी आपका फेवर चाहिए। फेवर ये कि आप लोग जिस भी स्टडी सेंटर से जुड़े हुए हो या फिर जहाँ से भी, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लोग बीएड कर रहे हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का उद्देश्य ही यही है, पर्पस ही यही है कि जितने भी ज़रूरतमंद है ना उन लोगों को हेल्प हो सके, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा देना, उसमें मेरी हेल्प ज़रूर करना। बिकॉज मेरा खुद का कोई पर्सनल एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, उनके रिक्वेस्ट के वजह से ही मैंने ये जो सीरीज़ है ना ये स्टार्ट की हुई है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, कुछ सेकंड्स ज़रूर देना कि ये वाला जो वीडियो का लिंक है वो शेयर कर दो या फिर प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दो, ताकि जितने भी वर्किंग लोग हैं जिनको टाइम बहुत कम मिलता है या फिर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी हाउसवाइफ है या व्हाटएवर, जितनी भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो उन सबको हेल्प हो सके। यूनिट 5 की बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो बेटा, इसमें से ना कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के ऊपर ना पार्ट्स जो आपके आते हैं, 6 में से 4 पार्ट जो आपको करने होते हैं उनमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, देखिए सोशियोमेट्रिक टेक्निक ना बहुत बार पूछी गई है, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक बहुत अच्छे से करेंगे, और दूसरी चीज़ पीयर असेसमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये वाले जो टॉपिक है ना ये तो हम काफ़ी अच्छे से करेंगे, और दूसरी चीज़ कहूँगी कि ऑब्जर्वेशन वाला भी आप रीड कर लेना, खुद ऑब्जर्वेशन टेक्निक को भी खुद रीड कर लेना। ये वाली दो जो मैं कह रही हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी आप लोगों को, और ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेक्निक भी रीड करके जानी है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट, देखते हैं पीयर असेसमेंट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो पीयर असेसमेंट। अब क्वेश्चन बताती हूँ कि नोट जो पूछा था ना, मैंने कहा कि पार्ट्स में पूछा जाता है, तो ना पूछा गया था बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो पीयर असेसमेंट भी करेंगे और बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट भी करेंगे, और उसके बाद हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक करेंगे। ये सारा आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो पीयर असेसमेंट। अगर पीयर असेसमेंट की बात करूँ ना, तो शॉर्ट नोट जो मैंने बताया कि आपको 6 में से 4 पार्ट करने होते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था पीयर असेसमेंट में, इसमें पूछा गया था बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट, ये आप लोगों को इसके ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना था या फिर इसके पॉइंट्स लिखने थे। तो हम पीयर असेसमेंट भी करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट भी करेंगे, और उसके बाद हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक करेंगे। तो पीयर असेसमेंट की अगर बात करूँ तो ये जो है इट रेफर्स टू वन स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स असेसिंग अदर स्टूडेंट्स। क्या होगा कि एक बच्चा, या तो एक बच्चा या फिर समूह में कुछ बच्चों का जो ग्रुप होगा वो बाकी के स्टूडेंट्स को असेस करेगा, मतलब उनका आकलन करेगा, उनको जांचेगा जो भी किसी भी चीज़ के ऊपर इवेल्युएशन करना है या असेस करना है, तो असेस करने का काम बच्चे ही करेंगे। ये चीज़ हो जाती है पीयर असेसमेंट के अंदर। इसके साथ क्या होता है, बच्चों के अंदर जो है ना इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स का निर्माण होता है, विकास होता है, एंड वे हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप एंड इम्पार्शियल एटीट्यूड, इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, इनकलकेट टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही डेवलप होगी। इंटरपर्सनल स्किल्स आप लोगों को पता होगा, एक होती है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो सोशल काम करता है, और इंट्रापर्सनल होता है विदिन। तो मतलब अगर बच्चे ग्रुप में वर्क करेंगे, एक दूसरे को असेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगी। साथ ही में क्या होगा कि बच्चे जो है तटस्थ होने का जो उनका एटीट्यूड है वो विकसित होगा, कि किसी का पक्षपात नहीं करना है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, बिल्कुल ही एक जेन्युइन जो डिसीजन है ना व
वो करना है या फिर वो लेना है और अच्छे से आकलन करना है, असेस करना है। इससे क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, टीम स्पिरिट की भावना जो है कि एज अ टीम वर्क करे वो भी इनकलकेट होगी, और साथ में लीडरशिप क्वालिटी एंड टाइम मैनेजमेंट भी बच्चे सीखेंगे। तो इतनी सारी स्किल्स है जो पीयर असेसमेंट में बच्चों के अंदर विकसित होती है। अब आगे क्या लिखा है वो देख लीजिए, कहा कि स्टूडेंट्स इंटरनलाइज द क्वालिटी ऑफ द वर्क बाय इवेलुएटिंग द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। बच्चे क्या करते हैं, जो भी कार्य है उसके जो भी क्वालिटीज़ है, उसकी जो भी अच्छे गुण हैं या जो भी उसमें बच्चे सीख सकते हैं उसकी क्वालिटी को इंटरनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। जब बच्चे आपस में एक दूसरे का असेस करते हैं या एक दूसरे के काम को इवेलुएट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों का जो बच्चों की जो लर्निंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है पीयर असेसमेंट से। इतनी सारी स्किल्स तो डेवलप होती ही है, साथ में स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो वर्क की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वर्क को इंटरनलाइज करते हैं। पीयर असेसमेंट हैज़ इट्स रूट्स इन द थ्योरीज ऑफ एक्टिव लर्निंग। अब पीयर असेसमेंट जो है वो एक एक्टिव लर्निंग को बहुत ज़्यादा फेवर करता है। मतलब क्या कि बच्चों की जो होगी सक्रिय भूमिका रहेगी, बच्चे जो होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव लर्निंग होगी उनकी। तो ये चीज़ है, इन एक्टिव लर्निंग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन डूइंग थिंग्स एंड थिंक अबाउट द थिंग्स दे आर डूइंग। तो एक्टिव लर्निंग में बताया है अब कि एक्टिव लर्निंग में क्या होगा, एक्टिव लर्निंग में ये होगा कि बच्चे जो है ना वो खुद कार्य करेंगे, अपने हाथों से हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ भी होगी, खुद करके सीखेंगे, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होगी, और साथ में बच्चे जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे भी। मतलब कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, वो मेंटली भी एक्टिव रहेंगे और वो फिजिकली भी एक्टिव रहेंगे। जब सोच रहे हैं थिंकिंग एक्टिव है तो मतलब मेंटली दिमागी तौर पर वो पूरे सक्रिय रहेंगे, और हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिजिकली तौर पर भी एक्टिव रहेंगे, है ना। द लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम शुड बी सपोर्टिव फॉर इफेक्टिव पीयर इवेलुएशन। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए क्लासरूम का, कक्षा का जो अधिगम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए फॉर इफेक्टिव पीयर इवेलुएशन, ताकि जो पीयर इवेलुएशन है, बच्चे जो एक दूसरे का असेस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो सके। देयर मस्ट बी अ कम्फर्टेबल एंड ट्रस्ट एटमोसफियर टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चे जो है कम्फर्टेबल भी महसूस करें और एक दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट करें, और उनको मतलब टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे एक दूसरे को फीडबैक देंगे, अगर कोई असेस करेगा तो जायज सी बात है, चाहे वो टीचर्स करे, चाहे वो आपस में पीयर्स करे या कोई और करे, अगर किसी के कार्य को असेस किया जा रहा है तो फीडबैक भी मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले। नेगेटिव इन द सेंस कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये नहीं कि टोटली नेगेटिव, मैं ये चीज़ कह रही हूँ नेगेटिव नहीं, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है और अच्छा हो सकता है, और अगर बहुत बेहतर किया है तो उसके लिए भी प्रशंसा मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा कार्य किया है, तो फीडबैक भी हो। फॉलोइंग टेबल शोज द बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट। अब ना वो चीज़ आ जाती है जो आपका मैंने बताया कि पूछा गया था एग्जाम में, बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट के ऊपर लिखना था नोट्स, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना आप यही वाले लिख करके आओगे अगर आपसे भी पूछा जाता है परसों तो। एन एजुकेशनल प्रोसेस डेट इंस्टॉल्स ऑटोनमी इन लर्नर्स। एजुकेशनल प्रोसेस क्या करता है, बच्चों में स्वायत्तता पैदा करता है। पीयर असेसमेंट जो होता है ना वो बच्चों को एक स्वतंत्रता भी देता है, या कह सकते हो स्वायत्तता देता है, ऑटोनमी की फीलिंग उनके अंदर आती है कि बच्चे खुद भी करेंगे, असेस करेंगे एक दूसरे को, सिर्फ टीचर ही नहीं करेगी, स्टूडेंट्स भी आपस में भी एक दूसरे को इवेलुएट करेंगे। एम्पावरमेंट ऑफ द लर्नर इन अ लर्निंग एनवायरमेंट। बिल्कुल सशक्तिकरण तो होगा ही लर्नर का जब वो एक लर्निंग एनवायरमेंट में उनको ऐसा मिलेगा तो। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कॉन्फिडेंस इन असेसिंग और मेकिंग पीयर्स थ्रू प्रैक्टिस। लर्नर के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ये भी विकास होगा कि किस तरीके से असेस करना है अपने स्टूडेंट्स को, मतलब अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको, और किस तरीके से उनको मार्किंग करनी है, उनको मार्क्स देने हैं उनके काम के बेसिस पर। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एबिलिटी टू सेल्फ इवेलुएट एंड रिफ्लेक्ट। बच्चों के अंदर क्या होगा, बच्चों के अंदर ये क्षमता भी विकसित होगी, एबिलिटी भी विकसित होगी कि खुद अपना स्वयं मूल्यांकन करना सीखे और स्वयं को परखना सीखे। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय ट्यूटर्स फॉर असेसमेंट एट वेरियस लेवल्स।
तो बच्चों को के अंदर ये भी चीज़ आएगी कि जो अलग अलग टाइम पर मतलब जो कि बच्चे जो है ना वो किस चीज़ का आकलन करें, इस चीज़ के बारे में भी उनकी समझ बढ़ेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वेरियस लेवल पर हमें किस तरीके से आकलन करना है, तो ये वाली समझ भी बच्चों के अंदर बनेगी। इंटरेक्टिव क्लासेस फॉर मार्किंग और फीडबैक, इंटरेक्टिव क्लासेस भी होगी, बच्चे जो है फीडबैक देंगे, एक दूसरे को मार्क करेंगे, तो इंटरेक्टिव सेशन भी होगा, आपस में बातचीत भी होगी और अच्छे संबंध भी बनेंगे, टीम स्पिरिट भी डेवलप होगी, हेल्पिंग एटीट्यूड भी होगा। रिफ्लेक्शन ऑन रिसेंटली कंप्लीटेड असेसमेंट विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, तो बच्चे क्या करेंगे, इम्प्रूविंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी रिसेंटली उन्होंने असेसमेंट किया है उसको विचारेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उसके जो फुल आंसर्स है या फुल एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होगी, तो उससे क्या होगी, बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो भी सुधरेगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो भी और अच्छी बेहतर बनेगी। क्लियर ओपन मार्किंग सिस्टम, सीइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड इम्प्रूविंग वर्क, तो क्लियर और ओपन मार्किंग सिस्टम होगा। सीइंग स्टैंडर्ड्स सेट बाय पीयर्स एज वेल एज मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, तो ये चीज़ भी देखेंगे एंड अवॉइडिंग देम इन द फ्यूचर, बच्चे क्या करेंगे कि किस तरीके से जो उनके क्लासमेट है उन्होंने जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया, मतलब कि जो भी करना था वो अचीव कर लिया, या फिर हो सकता है कि जो मिस्टेक्स है उसको देखे और उसको कोशिश करे कि उसको फ्यूचर में ना दोहराए। नेक्स्ट आ जाता है गेनिंग एन एबिलिटी टू स्टैंड बैक फ्रॉम ऑन वर्क फॉर असेसमेंट पर्पसेस, एन असेंशियल एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड साइंटिस्ट, तो ये चीज़ आ जाती है कि किसी का भी मतलब पक्षपात वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो भी हो वो इम्पार्शियल हो, ठीक है, ये नहीं है कि फ्रेंड है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए और वो थोड़ा सा उसके साथ अनबन होती है, दूसरे के साथ तो उसके सारे मार्क्स काट लिए हालांकि उसने बहुत अच्छा किया, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ बताई है कि ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड फीलिंग जो है उसका निर्माण होना चाहिए। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं लगती है ना, तो ये वाले पॉइंट लिख देना कि ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड नेस आती है बच्चों के अंदर पीयर असेसमेंट में, तो ये भी एक बेनिफिट है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को ना कोई पॉइंट ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, आई मीन लैंग्वेज मुश्किल लग रही है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एज इट इज़ करनी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी तरफ से बना के आया करो जो चीज़ समझ नहीं आती है। नेक्स्ट है रैपिड वे फॉर आर ट्यूटर टू असेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वर्क एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक फीडबैक, तो ये चीज़ तो है ही कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट वर्क ये भी असेस हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चे एक दूसरे का आकलन करते हैं और फीडबैक भी प्रोवाइड होता है, तो ये है बेनिफिट्स ऑफ पीयर असेसमेंट। और यहाँ पर हो जाता है हमारा पीयर असेसमेंट ख़त्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक के ऊपर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जिसमें से नोट्स पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट जो लिखने होते हैं, ठीक है, बहुत बार आ चुका है तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसको भी। सोशियोमेट्रिक टेक्निक गिव्स एन ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन अ क्लासरूम, बच्चों की एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध है, मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ कितने घुले मिले हुए हैं, या कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, मतलब किसी से बात ना करता हो या फिर दबा दबा सा रहता हो, कैसे किसके साथ रिलेशनशिप है, कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं है बच्चा जो जिसको सब बुली करते हो, सब उसको पीछे से या फिर छुट्टी के टाइम पर या लंच में टीज़ करते हो, उसको चिढ़ाते हो, किसी बात से छेड़ते हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, या कौन सा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं, इस टाइप की रिलेशनशिप को जानने के लिए यूज़ होती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बता दिया है, अभी ना ये वाला जो दिया हुआ इसके अंदर वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, कहा है कि जैकोब लेवी मोरेनो ने ये वाली जो टेक्निक है ना सोशियोमेट्रिक टेक्निक, उसको डेवलप किया था टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, वो चाहते थे कि जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर्स है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको जानने के लिए और साइकोलॉजिकल वेलबींग उनको समझने के लिए, उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए ये वाली टेक्निक का निर्माण किया गया था। वर्ड सोशियोमेट्री जो है वो एक लैटिन वर्ड सोशियस से डेवलप हुआ है, जिसका मतलब है कंपेनियन, जिसका मतलब है कंपेनियन, जिसको आप कह देते हो साथी, ठीक है, साथी कह दो, कह सकते हो साथी, कंपेनियन। एंड मेट्रम मीन्स मेजर, मेट्रम का मतलब होता है मेजर करना, मापना। द मेन पर्पस ऑफ अ सोशियोग्राम, अब सोशियोमेट्रिक टेक्निक में ना बेसिकली क्या यूज़ होता है, सोशियोग्राम यूज़ होता है, ये वाली चीज़ याद रखिएगा, ठीक है,
क्या यूज़ होता है, सोशियोग्राम यूज़ होता है एज टू फाइंड आउट द बेसिक नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप पैटर्न, जिससे हम पता कर पाते हैं कि कैसा फ्रेंडशिप पैटर्न है बच्चों के बीच में, उसका नेटवर्क जो है ना उसके बारे में। सपोज अब क्या है कि मैं मान लीजिए अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए क्लास में ना एक बच्चा है जिसका नाम है सीमा, क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है सीमा, और सीमा के ना सब फ्रेंड बनना चाहते हैं, सब फ्रेंड बनना चाहते हैं, देख रहे हैं कि सब, क्योंकि सीमा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि सब सीमा की तरफ ही अट्रैक्ट है, क्योंकि सीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमेशा फर्स्ट आती है। तो ये चीज़ होती है ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो सब चाहते हैं कि वो हमसे फ्रेंडशिप कर ले। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप पैटर्न है, या कोई बच्चा नेगलेक्ट तो नहीं है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए सोशियोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो यही सोशियोग्राम का मेन पर्पस है कि जिससे फ्रेंडशिप पैटर्न के बेसिक नेटवर्क को जाना जा सके। अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम अ सोशियोग्राम इज़ टू नो द रिलेशनशिप ऑफ एनी वन चाइल्ड टू द ग्रुप, एक बच्चे की पूरे ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है इसको जानने के लिए सोशियोग्राम का यूज़ होता है। थ्रू सोशियोग्राम यू विल गेट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो सोशियोग्राम की हेल्प से हमें जो समूह में बच्चों का व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उन सब के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहा कि वी कैन कंस्ट्रक्ट सोशियोग्राम इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो अलग अलग तरीके बताए हैं जिसके जरिए जो है सोशियोग्राम का निर्माण कराया जा सकता है। नाउ लेट अस लर्न द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सोशियोग्राम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड टू द ग्रुप मेंबर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो किस तरीके से प्रोसेस फॉलो होता है, किस तरीके से सोशियोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ बताया गया है कि ये सब क्वेश्चंस ग्रुप मेंबर्स को पूछ सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु आर योर थ्री बेस्ट फ्रेंड्स इन योर क्लास, विच थ्री फ्रेंड्स इन द क्लास वुड यू लाइक टू वर्क विद इन अ स्मॉल ग्रुप इन योर क्लास, विच थ्री फ्रेंड्स वुड यू लाइक टू सिट विद एट लंच टाइम। तो मुझे नहीं लगता है इसकी मुझे हिंदी ट्रांसलेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी ऐसा मुश्किल लैंग्वेज यूज़ नहीं की हुई है। विच थ्री फ्रेंड्स वुड यू लाइक टू गो विद फॉर अ पिकनिक। तो ये सारी क्वेश्चंस बच्चों से पूछने के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो सके ग्रुप मेंबर्स में, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अबव क्वेश्चंस आर एग्जांपल्स ऑफ अ फिक्स्ड पॉजिटिव नॉमिनेशन टेक्निक। ये वाले जो एग्जांपल है ये है फिक्स्ड पॉजिटिव नॉमिनेशन टेक्निक के। द टर्म फिक्स्ड इज यूज्ड इन द सेंस दैट इन अ क्वेश्चंस द चॉइसेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू थ्री फ्रेंड्स। अब इसको फिक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि थ्री फ्रेंड्स यही कहे गए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बता सकते, तीन ही बताओ। तो ये वाला हो गया फिक्स इस वजह से। दो दीज क्वेश्चंस इट इज़ possible to find interpersonal acceptance among students. In order to find interpersonal rejection, the following question may be asked. तो ये वाली चीज़ तो हमें कि एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ जो है गुलामी एटमोसफेयर है, किसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है लंच टाइम पर, किसके साथ पिकनिक पर जाना है, किसके साथ स्मॉल ग्रुप में काम करना है, और कौन आपके तीन बेस्ट फ्रेंड है, इस टाइप की चीज़ें कब पूछी जा रही है, जब फ्रेंडशिप के तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है जहाँ पर बच्चों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो चीज़ पूछी जा रही है। अब पता करना है जैसे इंटरपर्सनल रिजेक्शन, मतलब एक बच्चा जो है वो नेगलेक्ट किया जा रहा है, वो रिजेक्ट कर दिया है, वो आइसोलेटेड रहता है, अकेला अकेला रहता है, तब किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। तब हम क्या पूछेंगे, विच थ्री फ्रेंड्स डू यू लाइक द लिस्ट, कौन से तीन फ्रेंड हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते या फिर बहुत कम पसंद करते हो। Which three friends you don't like to include to in your group work? Which three friends you don't like to go for a picnic? तो ये बताया गया है कि study of rejection helps a teacher to know the unfavorable emotional reaction of students. कि बच्चे किस तरीके से जो unfavorable emotional reaction है बच्चों का, उसके जानने के लिए ये वाली जो आपका interpersonal rejection वाला चीज़ है वो, उसके बारे में जाना जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पेसिफिक ग्रुप इज नोन एज सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या होता है, जैसे आपका हिस्टोग्राम होता है ना, उस तरीके से, मतलब सोशियोग्राम में भी ना, हिस्टोग्राम तो खैर अलग हो गया, मैं बताना चाहती थी कि इसमें भी आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक स्पेसिफिक ग्रुप का, तो उसी को कहते हैं हम सोशियोग्राम। ये एक किस्म का चार्ट होता है जिसमें हम
ग्रुप के अंदर जो इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो सोशियोग्राम का जो कह सकते हो सोशियोग्राम का जो चार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से बनता है सोशियोग्राम का चार्ट कि किस तरीके से ई के दोस्त बनना चाहते हैं, किस तरीके से इन सब के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, बी का जो है सी और एच के साथ है, सी एच से बात करता है, तो इस बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ना इसको थोड़ा सा और समझ के इसको अपनी ना आंसर शीट में भी अगर पूछा जाता है तो बना करके आ जाना, ड्रॉ करके आना, एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप लोगों को सोशियोग्राम के बारे में भी अच्छी समझ है और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ आप देख लेना कि कौन किसको पसंद करता है। इसमें यही लिखा हुआ है कि बी इज़ कंसिडर्ड एज एन आइसोलेट, कोई एक जिसके साथ जिसका सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्त बनना चाहते ना उसको कहते हैं स्टार, उसको कहते हैं स्टार। और जो मतलब बी है, जैसे बी के साथ बहुत कम लोग घुलना मिलना चाहते हैं तो वो हो जाते हैं आइसोलेट। तो इस तरीके से ना किस तरीके से रिलेशनशिप बनती है ये वाली चीज़ आप रीड कर लेना एक बार, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ए का ई से, ई का एफ से, कैसे क्या संबंध है, वो सारी चीज़ें। सोशियोमेट्रिक टेक्निक एज एन असेसमेंट टेक्निक, तो ये वाली चीज़ भी देख लेते हैं। यू माइट बी थिंकिंग हाउ सोशियोमेट्रिक टेक्निक कैन बी यूज फॉर असेसमेंट पर्पसेस। तो हो सकता है बहुत से सोच रहे हो कि असेसमेंट पर्पस के लिए इसको कैसे यूज़ करें सोशियोमेट्रिक टेक्निक को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज एन असेसमेंट टेक्निक सोशियोमेट्री इज़ यूजफुल टू असेस सोशल बिहेवियर, रिलेटेडनेस एंड इंटरपर्सनल ट्रस्ट डेट एग्जिस्ट विद इन द ग्रुप। तो क्या आकलन करने के लिए, बच्चों का सामाजिक व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के साथ उनका कैसा संबंध है और एक दूसरे के ऊपर उनका कितना विश्वास है, ट्रस्ट है एक ग्रुप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उससे हम इवेलुएट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द रिजल्ट ऑफ सोशियोमेट्री फॉर स्टडिंग सोशल पैटर्न इन द ग्रुप सच एज एक्सेप्टेंस, स्टेटस, कोहेसिवनेस एंड डिफरेंट रोल्स। Through sociogram you can locate subgroups and mutual attraction patterns of your classroom. तो ये वाली चीज़ है कि जिसके ज़रिए आप और भी ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सेपरेट रहता है, अकेला अकेला रहता है, तो उसकी दोस्ती करवा सकते हो, या फिर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग, या आपको लगता है कि इनका बहुत अच्छा सर्कल है और ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं एक ग्रुप में, उनको अगर एक एक्टिविटी कराई जाए तो उस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। और या फिर आप लोगों को लगता है कि ये वाले सारे स्टार चाइल्ड है तो इसमें हमें थोड़ा आइसोलेट वाला भी डालना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी कराई जा सकती है। कहा कि थ्रू सोशियोग्राम यू कैन लोकेट सब ग्रुप्स एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन पैटर्न्स ऑफ योर क्लासरूम। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू नो इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, कैसा एक्सेप्टेंस है या फिर रिजेक्शन है उसके बारे में जानने के लिए। थ्रू सोशियोग्राम यू विल बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर क्लासरूम एंड हाउ इट विल अफेक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो ये चीज़ तो है कि फ्रेंडशिप का जो इम्पैक्ट है वो क्लासरूम पर कैसे पड़ता है, किस तरीके से वो बच्चों को एकेडमिकली मोटिवेट करता है। जैसे तीन बेस्ट फ्रेंड है, होता है ना ऐसा कि आप लोगों ने अपनी क्लासरूम में अगर पढ़ाते होगे तो देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो यही चाहते हैं कि कोई भी ग्रुप बने तो मेरे फ्रेंड ज़रूर हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड ज़रूर हो हमारे ग्रुप में। और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर दूसरे बच्चे को ले लिया जाता है तो उनका थोड़ा मुँह लटक जाता है। तो ये वाली चीज़ है कि हम देख सकते हैं इससे कि किस तरीके से बच्चे के एकेडमिक मोटिवेशन और अचीवमेंट को ये पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अफेक्ट करती है, किस तरीके से असर डालती है। While going through the interpersonal rejection problems related with the academic and socio-emotional adjustment could be found out, तो ये चीज़ तो है ही, साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई रिजेक्शन वाला ग्रुप है, इंटरपर्सनल रिजेक्शन है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चा एकेडमिकली फेस कर रहा है, पढ़ाई के दौरान उसको कैसी प्रॉब्लम्स जो है फेस हो रही है। सोशो इमोशनल एडजस्टमेंट अगर नहीं कर पा रहा है उसको फाउंड आउट करके उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। मोर ओवर पीयर रिजेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रेडिक्टर ऑफ एकेडमिक डिसफंक्शन, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो डिसफंक्शनिंग है उसको ठीक किया जा सकता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक के हेल्प से। तो यहाँ पर हो जाता है आपका पीयर असेसमेंट और सोशियोमेट्रिक टेक्निक ख़त्म। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.